ब्रेकिंग हर खबर पर पहली नजर। फर्रुखाबाद में युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। दिल्ली की सानिया शेख के सिर पर सजा मिस इंडिया का ताज। फर्रुखाबाद युवा महोत्सव का आयोजन में सुबह से ही सुंदरियों ने रेड कार्पेट पर पसीना बहा रही थी। शाम होते होते कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल छा गया। दिल्ली की सानिया शेख के सर पर मिस इंडिया का ताज सज गया। फर्रुखाबाद से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग। मैडम, आप जो है नेपाल से बिलोंग करते हैं, फर्रुखाबाद एक छोटा शहर है, यहाँ आप कैसे पहुँचे और मॉडलिंग के क्षेत्र में आप कहाँ तक पहुँचना चाह रही है, किस तरीके से आपके देश में मॉडलिंग को लेकर क्या सिस्टम चल रहा है? एक्चुअली मेरे देश में बहुत अच्छा और वहाँ की विमेन बहुत ज्यादा एम्पावरिंग हो रही है। और हमारे देश का जो मोटो है मेन, वो ये नहीं है कि विमेन को मेन को सुपीरियरिटी दी जाए। हमारे देश का ये मोटो है कि हम दोनों लोगों को बराबर करके चले, क्योंकि फैक्ट बात है कि जब तक आदमी काम नहीं करेगा और औरत खाना नहीं पकाएगी, तब तक जब तक हम दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालते हैं, तब तक अब हमारे ऊपर निर्भर है कि खाना कौन बनाना चाहता है और नौकरी कौन करना चाहता है। आपके नेपाल में जो है महिलाएं जो है काफी पिछड़ी हुई है। आपके यहाँ जैसे कि आपके देश से जो है भारत में मोस्टली लोग आते हैं नौकरी करने या बहुत सारे व्यवसाय यहीं पे होते हैं, तो अपने देश में आपके देश में मॉडलिंग जैसा जो है, जो आप रोल मॉडल वहाँ पे एक तरीके से नहीं उभर रही हैं, तो इसको लेकर आपके अपने देश के लिए मैसेज और भारत के लिए मैसेज क्या मैसेज है? ये चाहते हैं कि जितनी भी विमेन हैं यहाँ हैं या नेपाल में या किसी भी कंट्री में, बस ये चाहती हूँ कि उन्हें एक सपोर्ट मिले, एक इमोशनल सपोर्ट मिले, वो कर सके जो वो चाहती है। नेपाल के किस शहर से आप बिलोंग करती हैं? कलंकी काठमांडू। थैंक यू। ऑटो तुम यार गलत लगे भैया, तुमने अब आ रही कल बहुत ऐसा ही आ रही यार, ऐसा करो। मैडम, आप मिस यूपी चुनी गई हैं, कैसा महसूस हो रहा है, आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं, किस बात का संदेश आप दे रहे हैं? एक से एक कैंडिडेट थे और मतलब लास्ट में बहुत ही जीत गए, अब कुछ नहीं हो सकता, बट मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए मैं इस चीज के लिए 3 साल से ट्राई कर रही थी, बट कुछ ना कुछ हो जाता था, अप्लाई नहीं कर पाती, बट पहली बार में ही मतलब अगर मैं विनर हूँ बहुत। किस शहर से आप बिलोंग करते हैं? सेकेंडरी आप मिस यूपी चुनेंगे, आप किसको ये जो है मिस यूपी डेलीगेट कर रहे हैं, क्या मतलब परिवार में किसी के साथ? आप मिस यूपी चुने गए हैं, आप इसके बाद में जो है कौन सा मैसेज जो है महिलाओं के लिए आप दे रहे हैं कि किस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए? कोई क्वेश्चन भी पूछा जा रहा था, आजकल पावर हो तो आप क्या करोगे, मैं उस क्वेश्चन के लिए काफी प्रिपेयर थी। अगर मेरे पास अगर कोई ऐसी शक्ति हो तो मैं एक चीज खत्म कर दूँ, जिन बच्चों को पेट में, जिन लड़कियों को गर्भ में मार दिया जाता है, वो चीज ही मैं खत्म करती हूँ। मतलब लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ अभियान से आप जुड़ना चाहूँगा। इससे पहले जो यहाँ फर्रुखाबाद में मिस इंडिया रही थी आशी बग्गा जी, मिस यूपी, वो राज्यपाल वगैरह से भी मिली थी, क्या आप प्रदेश में राज्यपाल या मुख्यमंत्री हैं, इनसे भी आप मुलाकात या इन सब प्रोग्रामों को आगे बढ़ाने के लिए मुलाकात वगैरह करेंगी? सर, अगर उनके पास वक्त हुआ तो मैं जरूर मिलना चाहूंगी। थैंक यू। दादा। मैडम, आप मिस इंडिया चुनी गई फर्रुखाबाद युवा महोत्सव में, कैसा आपको महसूस हो रहा है, क्या आगे आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं बता नहीं सकती, आई एम जस्ट स्पीचलेस, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस। किस शहर से आप बिलोंग करती हैं? दिल्ली से। दिल्ली में जिस तरीके से महिलाओं पर अपराध हो रहे हैं, तो अपराध के बारे में आपका क्या कहना है, मतलब किस तरह से महिला प्रिवेंटिव होना चाहिए महिलाओं के लिए? गलत बात है ये, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। दिल्ली में जो भी होता है वो लोगों की मानसिकता की वजह से है। दिल्ली वैसे तो बहुत आगे बढ़ चुका है, बट इस चीज में अब भी बहुत ही पीछे है, लोगों को बदलना चाहिए। कुल मिला के आपका मैसेज क्या है? कुल
कुल मिला के यही मैसेज है कि हर किसी को अपनी सोच बदलनी चाहिए कि हर लड़की को जैसे नजरों से देखते हैं ऐसा नहीं देखना चाहिए, हर लड़की को सही में रहना चाहिए। वैसे भी लोगों में एजुकेशन की भी कमी है, उस वजह से भी लड़के ज्यादातर ऐसे अपराध करते हैं, लोगों को बदलना चाहिए। अभी भी प्रदेश में जो है अभी महिलाओं को लेकर जैसे ग्रोथ नहीं है, कुछ जगह जो है काफी मीडियम वर्ग के लोग रहते हैं, तो आपका महिलाओं को लेकर मैसेज क्या है? उन महिलाओं को लेकर ये मैसेज है कि वो अपनी जनरेशन जो आगे जनरेशन बढ़ा रही है उन्हें स्टडी करने दें, एजुकेशन लेने दें लड़कियों को, इवन क्योंकि वही वंश को आगे बढ़ाती है तो उन्हें पढ़ने दें, यही मेरा मैसेज है। ठीक, थैंक यू। आप ऐसे ही खड़े रहना।